हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एरीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है चॉइस। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, जिसको लेकर आप टू माइंड्स में हैं, यानी कि आप एक मन नहीं बना पा रहे हैं, एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एक मन आपका कुछ और कहता है तो दूसरा मन आपका कुछ और कहता है। जब आप हाँ के बारे में सोचते हैं तो आपको ना बेहतर लगती है, और जब आप ना के बारे में सोचते हैं तब आपको हाँ बेहतर लगती है। और देखिए, ये डिसीजन, ये चॉइस सबके लिए डिफर कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन चॉइस के ऊपर हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहता है कि मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है एरीज आपको चॉइस और डिसीजन लेना है, जिसको लेकर अगेन आप टू माइंड्स में हैं या फिर किसी लेवल पे एक परेशानी भी आप महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एरीज, जब तक आप इस डिसीजन, इस चॉइस को डिले करेंगे तब तक आप किसी लेवल पे परेशान रहेंगे। क्योंकि देखिए, जब हम एक मन बना लेते हैं, एक चीज़ पे फोकस कर लेते हैं, भले ही वो ना हो, तो एक सुकून, एक पीस हम महसूस करते हैं। लेकिन जब तक, फिर से मैं कहूँगी, हम टू माइंड्स में रहते हैं, हम परेशान ही रहते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप ये डिसीजन, ये चॉइस ज़रूर लें। और देखिए, हेरोफेंट कहीं रिलीजन, सोसाइटी की भी बात करता है, तो कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि अगेन आप सोसाइटी, रिलीजन पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर पीछे आप बहुत बहुत रिजिड हो रहे थे, और कहीं अप्रैल स्टार्टिंग में आप इन्हीं रिजिड एनर्जीज में से बाहर निकलना चाह रहे हैं या निकल रहे हैं, या फिर आप टू मच ही रिजिड उसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स है। एंड देखिए, मिड अप्रैल के लिए यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स एंड सेल्फ लव के कार्ड्स हैं। और देखिए, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड कहीं पास्ट की बात करता है, तो कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि या तो पास्ट का कोई सिचुएशन, कोई इवेंट, कोई इंसान, कोई रिलेशनशिप आपके करंट रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है, या फिर आप पास्ट की किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ब्रॉडली स्पीकिंग देखें तो सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड कहीं लव, प्यार, मोहब्बत की बात करता है, बहुत ही एक प्योर, बहुत ही एक इनोसेंट लव की भी बात करता है। लेकिन डीपर लेवल के लिए सेल्फ लव का कार्ड खुद को प्रायोरिटाइज करने की बात करता है, खुद पे अटेंशन देने की बात करता है। और देखिए, इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए एक लव, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इन द प्रोसेस आप खुद को इग्नोर नहीं करना चाह रहे हैं, आप खुद को निग्लेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आप अपनी विशेस, अपनी डिज़ायर्स को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप खुद को भी प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एंड एंड अप्रैल के लिए देखिए, लव ऑफ मनी एंड सिक्स ऑफ सोल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि डीपर लेवल के लिए देखिए, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अहमियत रख रही हैं, या फिर आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे, अगेन मैं कहूँगी,
बहुत फोकस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या कुछ के लिए देखिए मनी इम्पॉर्टेंट रह सकता है किसी भी फॉर्म में, हम स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, और कहीं इसी वजह से या अदरवाइज भी आप स्टक रहते हुए दिख रहे हैं, आप एक मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और कुछ एरीज के लिए लिटरली हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं। और अब देखते हैं एरीज के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 8 of Swords, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, किसी लेवल पे परेशान भी रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे क्लियरली वो चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, क्लियरली चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, शायद इसीलिए किसी लेवल पे बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी होपलेस या फिर हेल्पलेस भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए इन एनर्जीज़ के लिए सब एरीज के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 8 of Swords के नीचे लेटर का कार्ड कहता है कहीं कम्युनिकेशन न्यूज़ एक रीज़न रह सकता है। और देखिए ये भी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ एरीज और उनके पार्टनर के बीच में किसी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन एक रीज़न हो सकता है, और कुछ एरीज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि एरीज आपकी तरफ से किसी न्यूज़, किसी फ़ोन कॉल, किसी मैसेज का वो वेट कर रहे हैं, और कहीं आप उतना इनिशिएटिव इसी डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी एक कंफ्यूजन, एक हेल्पलेस फीलिंग वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए मिड अप्रैल के लिए 4 of Wands एंड फेट के कार्ड्स कहते हैं कि वो आपके साथ टुगेदरनेस चाहते हैं, वो आपके साथ कंपेनियनशिप चाहते हैं, आपके साथ वेकेशन पे जाना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कहीं यू नो एंगेजमेंट चाहते हैं, कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और हो सकता है कि इसी डायरेक्शन में कहीं वो मिड अप्रैल में या अप्रैल मंथ में एक्शन इनिशिएटिव्स भी लें सरफेस लेवल के लिए, लेकिन डीपर लेवल के लिए फेट का कार्ड कहता है कि वो कम्प्लीटली यू नो फेट पे फेथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जिस गॉड को वो मानते हैं उन पे कम्प्लीट सरेंडर करते हुए, कम्प्लीट फेथ करते हुए अगेन मैं कहूँगी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और देखिए एंड अप्रैल के लिए नो लव हेयर एंड टेम्परेंस के कार्ड्स कहते हैं कि मन ही मन कहीं उनको ऐसा लग सकता है कि प्यार ख़त्म हो रहा है, और देखिए ये भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ एरीज के पार्टनर को लग सकता है कि भाई उनके ही मन में अब एरीज आपके लिए उतना लव, उतना प्यार मोहब्बत नहीं है, और कुछ एरीज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एरीज उनको लग रहा है कि आपके मन में उनके लिए उतना लव, प्यार मोहब्बत अभी नहीं है। और देखिए जो भी हो कहीं सरफेस लेवल के लिए टेम्परेंस का कार्ड कहता है बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से हर चीज़ को डील कर रहे हैं, जो भी अगेन वो डीपर लेवल के लिए महसूस कर रहे हैं कहीं सरफेस लेवल के लिए बियॉन्ड द पॉइंट अपने आप को इफ़ेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, या फिर इन्हीं चीज़ों की वजह से परेशान अपने आप को नहीं होने दे रहे हैं, एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून रख रहे हैं। और अब देखते हैं एरीज की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो अप्रैल मंथ के लिए देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 3 of Swords एंड केसेंटल, और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में एक हर्ट, एक पेन वाली एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रह रही हैं, और देखिए इस हर्ट, इस पेन के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 3 of Swords के नीचे केसेंटल का कार्ड कहता है कि शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, और देखिए इसी वजह से अगेन एक हर्ट, एक पेन रह रहा है। और आप दोनों की एनर्जीज देखें एरीज, तो कहीं आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, और आपके पार्टनर मिस कम्युनिकेशन या फिर आपकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से या अदरवाइज भी हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ फील कर रहे हैं, और इसी वजह से अगेन मैं कहूँगी कि एक हर्ट, एक पेन
मेन इस रिलेशनशिप में रह रहा है। तो देखिए जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है, इनफैक्ट सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। एंड देखिए मिड अप्रैल के लिए प्रोटेक्शन एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन के लिए आप दोनों ही इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। आप दोनों को ही लग रहा है कि भाई कुछ ऐसा ना हो जिससे इस रिलेशनशिप में इश्यूज हों, प्रॉब्लम्स हों, और फिर से मैं कहूँगी कि आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और इसीलिए एक गिव एंड टेक भी आप दोनों के बीच में रह रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है, तो इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में एक बैलेंस नहीं रह रहा है। आप दोनों में से एक जन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और दूसरे जन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है एरीज, जब भी इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में डिसबैलेंस आता है तभी रिलेशनशिप में भी इश्यूज और मसले होते हैं। क्योंकि देखिए जब हम बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को दे रहे होते हैं इस रिलेशनशिप को सेव करने के इंटेंशन से, तो इनिशियली हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस को बहुत बढ़ा रहे होते हैं। और जब भी हम उस तरीके से नहीं उनको दे पाते हैं तो वो परेशान होते हैं और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरीके से जब हम बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं तो हमारे पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ रही होती हैं, और जब उस तरीके का रिस्पॉन्स हम नहीं दे पाते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं और फिर रिलेशनशिप में इश्यूज़ और मसले होते हैं। तो देखिए अगर आप इस रिलेशनशिप को वाकई में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इस गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करने की कोशिश करें। एंड देखिए एंड ऑफ अप्रैल के लिए सिंक्रोनिसिटीज एंड साइंस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों ही शायद यूनिवर्स की तरफ से या फिर अपनी सराउंडिंग्स की तरफ से जो भी साइंस आपको मिल रहे हैं, जो भी सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, उनको रीड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उन्हीं को ही एक साइन मानते हुए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और एक मूवमेंट, एक शिफ्ट इस रिलेशनशिप में आ रही है। और देखिए ये मूवमेंट, ये शिफ्ट भी सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ एरीज और उनके पार्टनर के लिए लिटरली हो सकता है कि आप दोनों ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ एरीज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, और कुछ एरीज और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके अकेले ही आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है, लेकिन एंड अप्रैल में इस रिलेशनशिप में एक मूवमेंट, एक शिफ्ट किसी भी लेवल पर आती हुई दिख रही है। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए अप्रैल 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।